रिमोट कंट्रोल जीप रेस्टोरेशन। एक समय की बात है जब महेंद्र नाम का कार मैकेनिक हुआ करता था। वो अपना काम अच्छे से करता था, इसीलिए उस गांव में सब अपने गाड़ियों को उसी के मैकेनिक शेड में रिपेयर के लिए देते थे। महेंद्र एक बार अपने बेटे से, रे मेरे व्यापार का डिमांड रोज बरोज बढ़ते ही जा रहा है, मुझे वैसे भी एक असिस्टेंट की जरूरत थी, तुम आओगे क्या? ठीक है। इस तरह महेंद्र अपने बेटे विजय को कार, जीप, ऐसे बड़े बड़े गाड़ियों को कैसे रिपेयर करना है वो सिखाया। एक बार विजय जब काम कर रहा था तो एक अमीर लड़का अपनी स्पोर्ट्स कार में आकर, ए भाई कार डोर ठीक से बंद नहीं हो रहा है, जरा देखना। विजय उस कार को देखकर मन में, वाह क्या कार है ये, क्या बात है, किसी तरह इसे चलाना चाहिए, यूं मन में सोचकर, सर कार यहाँ छोड़ दीजिए, मैं रिपेयर करके आपके घर ले आऊंगा ना। वो अमीर लड़का हाँ कहकर स्पोर्ट्स कार की चाबी उसे दे दिया। विजय उस कार डोर को ठीक करके रात होते ही उस कार को लेकर आराम से गांव भर में घूमा। अपनी इच्छा पूरी करने के बाद उस रिच किड को स्पोर्ट्स कार देकर, सर आपका कार रिपेयर हो गया है, चेक कर लीजिए। रिच किड अपने कार में बैठकर अंदर स्पीडोमीटर देखा। क्या भाई स्पीडोमीटर में तो 100 किलोमीटर घूमे ऐसे लग रहा है। टेस्ट ड्राइव कर रहा था सर, फिर आपको बाद में परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, क्यों कहकर पैसे लेकर चले गया। अमीर लड़के को तब जरा शक हुआ। तुरंत अगले दिन वो अमीर लड़का स्पोर्ट्स बाइक पर आकर फिर से विजय को बाइक दिया। विजय को फिर से उस स्पोर्ट्स बाइक पर घूमने की आशा हुई तो फिर से रिपेयर करने के बाद रात भर उस स्पोर्ट्स बाइक पर घूमकर अमीर लड़के को देकर, सर आपकी स्पोर्ट्स बाइक रेडी हो गई है सर, कहकर उसे चाबी दिया। हमेशा की तरह स्पीडोमीटर देखने के बाद अमीर लड़के को पता चल गया कि उस पर भी 100 किलोमीटर घुमा गया है। एक दिन शाम को वो अमीर लड़का गांव में जब घूम रहा था तो विजय को किसी के साथ स्पोर्ट्स बाइक पर जाते हुए देखा। अपने दोस्तों के साथ अच्छे से एंजॉय कर रहा था। अमीर लड़के को विजय पर शक बढ़ गया तो उस दिन से वो उस पर गौर करने लगा। उस दिन शाम को हमेशा की तरह विजय अपने गैराज में आए कार को टेस्ट ड्राइव के बहाने अच्छे से एंजॉय करते हुए देखकर, ओहो तो ये करता है ये, इसे किसी तरह सबक सिखाना होगा, यूं सोचकर अपने घर में एक पुराने रिमोट कंट्रोल जीप को लेकर आया और अगले दिन विजय को देते हुए, विजय ये एक पुरानी जीप है, बचपन से ही ये मुझे बहुत पसंद है, इसे किसी तरह रिस्टोर करके देना होगा। सर आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा ना, कहकर उस दिन सुबह से रात तक मेहनत करके उस जीप को रिस्टोर किया। हमेशा की तरह उस शाम भी विजय उस जीप में गांव भर में घूमा, तब चोरी छिपे रिच किड उसे अपने रिमोट से ऑपरेट करने लगा। जीप गोल 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 घूमने लगी। बाप रे ये क्या, ये जीप अपने आप चल रही है, बाप रे कुछ भूत वूत तो नहीं है इसमें, बाप रे बचाओ बचाओ, ये पुकारने लगा। वो अमीर लड़का तब उस रिमोट कंट्रोल से जीप को सीधा कीचड़ में डाल दिया। विजय उस कीचड़ में जा गिरा। वो अमीर लड़का तब आकर, क्यों रे विजय, हम सब तुम्हें कार रिपेयर करने देते हैं तो उन्हें रिपेयर करके तुम आराम से गांव भर में लेकर घूमते हो, टेस्ट ड्राइव के नाम पर हमारे कार से खेलोगे। मुझे सबक मिल गया सर, मुझे माफ करिए, मैं फिर से कभी दोबारा नहीं करूंगा। श्रीरामपुर नाम के गांव में आदित्य चंदू नाम के दो अनाथ बच्चे रहते थे। वे दोनों एक होटल में काम करते थे।
एक दिन उनके होटल में कपाड़िया नाम का स्क्रैप बेचने वाला व्यापारी आया। अब उन्हें देखकर कपाड़िया, रे तुम्हारी इस गरीबी हालत को देखकर तुम्हें एक बम्पर ऑफर देने की सोच रहा हूँ। तुम दोनों मेरे पास आ गए तो मैं तुम्हें रोज 200 रुपए दूंगा, वही नहीं रहने के लिए एक अच्छी जगह भी दिखाऊंगा। वो मानकर आदित्य चंदू शाम को कपाड़िया की दुकान गए। अब उनसे कपाड़िया, रे तुम दोनों इसी दुकान में रहो, बीच में हमें जब दूसरे डील्स मिलेंगे तो मैं वो तुम्हें दूंगा, इसे अच्छी तरह से ध्यान से करना, ठीक है ना? कहकर वहाँ से चले गया। फिर तब से वे दोनों स्क्रैप शॉप में ही काम करने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन कपाड़िया के दुकान पर बिजनेसमैन राहुल आया। अब वो कपाड़िया को कुछ नोटों की गड़िया दिया। वो देखकर उससे कपाड़िया, सर अमाउंट कितना है? पूरे 50 लाख, जहाँ तक मुझे पता है वो एक बैग में आ तो जाएंगे, लेकिन भेजोगे कैसे? फुल पुलिस चेकिंग चल रही है, पार्टी को बहुत अर्जेंट है। आप फिकर मत कीजिए सर, मैं देख लूंगा। ये देखिए, ये दो बच्चे हैं ना, इन्हें 2 स्कूल बैग्स देकर भेजूंगा तो वे ही सेफ से देकर आएंगे। तुम तो बड़े शातिर निकले कपाड़िया, तुम ऐसे ही काम करते रहो तो हमारे पूरे डील्स तुम्हें ही दे देंगे। फिर कपाड़िया आदित्य चंदू दोनों को स्कूल बैग्स देकर उसमें पार्टी तक पैसे भेजने लगा। वैसे उस तरफ पैसे पहुंचाने के लिए आदित्य चंदू को भी पैसे देने लगा। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन आदित्य जब अकेले बैग लेकर जा रहा था तो एक पुलिस को शक हुआ, तो वो उसके पीछे पड़ गया। उसकी वजह से आदित्य भागने लगा और बैग को वहीं छोड़कर भाग गया। भागते हुए कपाड़िया के पास आया आदित्य, पुलिस का यूं पीछे पड़ना, बैग का यूं छोड़कर आना, वो सब बताया। वो सुनकर कपाड़िया, रे कमीने ये क्या कर दिया रे, इतने समय से काम कर रहे हो, कम से कम 5 लाख भी बचा कर लाना नहीं आता, कहते हुए वो आदित्य को खूब पीटा। वो देखकर चंदू रोकने के लिए बीच में गया तो वो चंदू को भी मारने लगा। रे कमीनो, मेरे ही पैसे मारकर मुझे ही झूठ बोलते हो, देखो वो खोए हुए पैसे के वजह से अब तुम दोनों को पूरी जिंदगी मेरे पास ही काम करना पड़ेगा, कहते हुए गुस्सा होकर चले गया। रे मैं सच में चोरी नहीं किया, बेचारे मेरी वजह से तुम्हें भी मारे, सॉरी रे। सॉरी क्यों बोल रहे हो रे, इस कमीने को हम सबक सिखा कर रहेंगे, हमारे ऊपर जो इल्जाम डाला उसे हम सच करेंगे। वो परसों राहुल सर से कोई बड़ा पैसों की डील के बारे में बहुत बात कर रहा था, यहाँ से पैसे एक ट्रक ऑटो में जाने वाला है, ये मैंने सुना था, उसमें से पैसे मारकर हम उसे बहुत मार खिलवाएंगे। रे ट्रक ऑटो में से पैसे कैसे निकालेंगे? सिंपल है रे, मैं पेड़ के ऊपर चढ़कर वहाँ इंतजार करता रहूँगा, ट्रक वहाँ से गुजरते ही ऊपर से मैं उसमें से पैसे निकाल लूंगा। पता नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे बोल रहे हो मैं वैसे कर लूंगा, लेकिन हमें इससे छुटकारा पाना ही होगा। फिर अगले दिन कपाड़िया एक ट्रक ऑटो में अच्छे से पैसे भरकर उसे भेज रहा था। अब वो ट्रक ऑटो रोड पर जब गुजर रही थी तो वहाँ पेड़ पर इंतजार कर रहा चंदू उसमें से पैसे निकाला। इस तरह रोज ट्रक का गुजरना, उसमें से चंदू रोज थोड़े थोड़े पैसे निकालने लगा। उन पैसों को चंदू आदित्य दोनों मिलकर एक जगह छिपा दिए। ऐसे एक हफ्ता बीतने के बाद एक दिन राहुल अपने आदमियों के साथ कपाड़िया के पास गुस्से में आया। क्यों रे चोर कहीं के, तुम पर विश्वास करके पैसे भेजा तो उसमें से 1 करोड़ रुपए मार लिए, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई, चुपचाप पैसे भरो वरना तुम्हारी हड्डी फसली तोड़ देंगे। देखिए सर, हमारे पास कोई पैसों के हिसाब में कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ, आप ही ने कहीं गलती की होगी, मैं जब पैसे भेजा तो अकाउंट बराबर था, आप लोगों में ही कोई चोर होगा, वो चेक कीजिए। वो सुनकर अपने आदमियों से राहुल, रे ये कमीना खुद गलती करके हम पर ही तोप रहा है, अच्छे से बोलेंगे तो ये नहीं समझेगा, इसकी हड्डी फसली तोड़ दो, इसको यही पर अच्छे से मारो। कहने से सारे आदमी मिलकर कपाड़िया को खूब पीटे।
तब उनके जाने के बाद आदित्य चंदू धीरे से वो पैसों का बैग लेकर वहां से बचकर भाग निकले।